मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले में आयोजित मौनिया महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। मिर्जापुर के स्टेडियम में आयोजित मौनिया महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत हुआ है, जहां पर उनका पारंपरिक वेशभूषा और मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौनिया नृत्य कर लोगों का उत्साह भी वर्धन किया है। मिर्जापुर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने क्षेत्र के विकास के लिए सीएम से कई मांगे भी की है, और जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए मिर्जापुर के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने मिर्जापुर विधायक शुक्ला की मांग को भी स्वीकार किया है। मिर्जापुर को सिविल अस्पताल का दर्जा देने सहित सभी मांगों पर मुहर लगाते हुए उन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बुंदेलखंड में चल रही कैन बेतवा लिंक परियोजना से समूचे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में मौजूद लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। प्राप्त किए जा रहे चाहे वो जिला रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे आवास ट्रस्ट के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, सबकी ठीक से व्यवस्था की जाए। उस सभी माहौल में मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। एक बात और मुझे पता चली है कि कुछ जगह अतिवृष्टि के कारण, अस्पष्ट वृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, तो सर्वे भी तत्काल करवा लिया जाए। और जब नुकसान हुआ है, नुकसान जब हुआ है और सर्वे करके रिपोर्ट में जाए, तो हम सर्वे राहत राशि भी और फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसका भी प्रयास करेंगे। एक बड़ी सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए बेतवा योजना 44,000 करोड़ रुपए की, जैसे अपने पूरे बुंदेलखंड की धरती सिंचित होगी, गांव गांव पानी आएगा और बुंदेलखंड पंजाब को भी मार कर देगा। यहाँ के महंगी किसान है,